नमस्कार टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में अनबन की खबरें खूब चली। दोनों भगवा संगठनों के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जो भी मतभेद रहे हो, हरियाणा में मिली चुनावी जीत ने सब दूर कर दिया। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई तो उसके पीछे आरएसएस की जमीन पर मेहनत भी थी। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने सबको चौंकाया, लेकिन उससे बीजेपी आरएसएस को ये एहसास जरूर करवाया कि दोनों एक दूसरे पर कितना निर्भर है। अब जब दुनिया काफी हद तक मिट चुकी है, संघ और भाजपा की जुगलबंदी महाराष्ट्र और झारखंड में भी असर दिखा सकती है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मथुरा में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक हुई। इसमें आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसवोले ने बताया कि भाजपा और संघ के बीच सब कुछ ठीक है। होसवोले ने कहा कि परिवार में मतभेद स्वाभाविक है और ऐसे मतभेद निजी तौर पर हल किए जाते हैं। संघ सार्वजनिक विवादों में शामिल नहीं होता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान की बीजेपी को संगठन चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद सक्षम है। इस पर होसवोले ने कहा कि संघ नड्डा के बयान के पीछे की भावनाओं को समझता है। ये स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बारे में है, ना कि संबंधों को तोड़ने के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और संघ के बीच अनबन की तमाम रिपोर्ट्स आई। चुनावी नतीजों में लगे झटके ने शायद दोनों संगठनों को समझाया कि भलाई साथ रहने में ही है। मोदी शाह के युग में बीजेपी पर संघ की पकड़ ढीली पड़ी है, लेकिन हरियाणा में जीत ने साबित कर दिया कि उसका संगठन और नेटवर्क अब भी चुनाव का नतीजा बदलने की ताकत रखता है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को 90 में से 44 पर आगे रहने का भरोसा जरूर था। वह कई इलाकों में मिसमैनेजमेंट के चलते पिछड़ती दिख रही थी। 10 साल तक सत्ता में रहने की वजह से एंटी इनकन्वेंसी का फैक्टर भी था। पार्टी कार्यकर्ता भी सुस्त पड़े थे। ऐसे में आरएसएस आगे आया और उसके स्वयंसेवकों ने पूरा गेम ही बदल दिया।